पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रोडरेज मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। इधर उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कैंसर से लड़ रही हैं। उन्होंने पति को याद करते हुए एक बार फिर से भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू को सबक सिखाने के लिए मैंने भगवान से अपने लिए मौत मांगी है। उन्होंने दो ट्वीट किए हैं। नवजोत कौर ने पहले ट्वीट में लिखा, नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब के लिए प्यार किसी भी चीज़ से बढ़कर रहा है। मैंने तो गुस्से में उन्हें सबक सिखाने के लिए मौत मांग ली है। भगवान की कृपा का इंतजार है। सिद्धू की पत्नी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुमने मांगा है, लेकिन परम चेतना की इच्छा के विरुद्ध नहीं, इसलिए उसने मुझे बीच में ही छोड़ दिया। प्रत्येक व्यक्ति की नियति और यात्रा अलग अलग होती है, हमें इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। व्यक्ति को सिर्फ खुद में सुधार लाने की आवश्यकता होती है, उसकी दुनिया उसके कानून। बता दें कि इससे पहले नवजोत कौर ने ट्विटर के जरिए ही अपने कैंसर की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका कैंसर स्टेज 2 में है। नवजोत कौर ने तब सिद्धू को याद करते हुए लिखा था, वो ऐसे अपराध के लिए जेल में बंद हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। इस मामले में शामिल सभी लोगों को माफ कर दिया है। हर दिन बाहर आपका इंतजार करना शायद आपसे ज्यादा कष्टदायक है। हमेशा की तरह आपके दर्द को दूर करने की कोशिश में हूँ। मैं बार बार आपको न्याय से वंचित होते देख कर आपका इंतजार कर रही हूँ। एक छोटी ग्रोथ देखने को मिली थी, पता था कि ये खराब है। उन्होंने आगे कहा था कि आपका इंतजार कर रही हूँ, ये देख रही हूँ कि आपको हर बार न्याय से दूर रखा जा रहा है। सच में बहुत ताकत होती है, लेकिन ये बार बार आपका इम्तिहान लेता है। कलयुग माफ करना इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्टेज 2 कैंसर है। आज सर्जरी हो रही है, इसमें किसी का दोष नहीं, क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 1988 रोडरेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में 1 साल की सजा काट रहे हैं। उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेजा गया था। उन्होंने इसके लिए पटियाला की एक कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। हालांकि बीच में उनके रिहा होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अभी तक सिद्धू को रिहाई नहीं मिल पाई है।